हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्नैक्स कंपनी की जो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी की जो 1974 में शुरू हुआ, जो कि पोटैटो चिप्स और अदर ग्रेन बेस्ड स्नैक्स बनाता है। इस कंपनी के को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर चंदू भाई वीरानी हैं, जो 1970s में अपने दो भाई के साथ गुजरात के एक छोटे गांव से राजकोट को आए। राजकोट जो इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट है, सिर्फ 20,000 लेकर के। अब वो 20,000 भी उनके पापा ने अपनी सारी ज़मीनें बेच के उन्हें दी। राजकोट आते ही उन्होंने एक बिज़नेस शुरू किया, फर्टिलाइज़र का बिज़नेस, जो फेल हो गया। और बिज़नेस फेल होने के बाद तो उनके पास अब पैसे बचे नहीं थे, तो उन्होंने काम ढूंढना शुरू किया। तो एस्ट्रोन नामक एक सिनेमा घर में एक कैंटीन था, उस कैंटीन में कुछ काम करने वालों की ज़रूरत थी, तो ये लोग वहाँ पहुँच गए काम करने के लिए। तो वहाँ पे उनको काम मिल गया, वो वहाँ उस कैंटीन में सबको खाना सर्व करते थे। तो वैसे ही सर्व करते करते कुछ महीनों के बाद उन्हें उस कैंटीन का इंचार्ज बना दिया गया। फिर उस कैंटीन में उन्होंने अलग अलग टाइप का स्नैक्स बनाना शुरू किया, लाइक पोटैटो चिप्स और भी ग्रेन्स के सारे प्रोडक्ट्स बनाने स्टार्ट किए। फिर उस प्रोडक्ट्स का उन्होंने सोचा कि एक नाम दिया जाए। तो उस सिनेमा घर में एक मंदिर था, वो मंदिर बालाजी का मंदिर था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपने स्नैक्स का नाम बालाजी रखें। तो ऐसे उन्होंने अपने स्नैक्स का नाम बालाजी वेफर रखा। तो ऐसे शुरू हुआ बालाजी वेफर का सफ़र। वो कंपनी जो कि जीरो से स्टार्ट हुआ और आज उस कंपनी का रेवेन्यू 20,000 करोड़ है। मैं आशा करती हूँ कि बालाजी वेफर कंपनी की स्टोरी आप सबको पसंद आई होगी। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट ब्रांड स्नैक्स में कौन सा है। और ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरी सुनने के लिए, कंपनी के स्टार्टअप सुनने के लिए, उसकी स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।